भारत भूमि अनेक नदियों, गुफाओं एवं मंदिरों जैसी अनमोल धरोहरों को अपनी गोद में पनाह देती है। ऐसी ही एक प्राचीन धरोहर महाराष्ट्र स्थित नंदुरबार जिले के शहादा में गोमई नदी के मध्य स्थित श्री दिगंबर जैन गुफा मंदिर है, जो तीर्थंकर लेड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। लगभग 2200 वर्ष पूर्व भद्रबाहु स्वामी के शिष्यों द्वारा निर्मित कराई गई यहाँ दो गुफाएं हैं, जिसमें पहली गुफा में 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान एवं थोड़ी ही दूरी पर बनी दूसरी गुफा में 21वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान के साथ प्राचीन शिलाओं से बनी हुई अन्य 56 प्रतिमाएं विराजित हैं। ये प्रतिमाएं देखने में इतने अद्भुत, मनोज्ञ एवं अद्वितीय है कि श्रावकगण इन्हें देख इन्हीं में खो जाते हैं। प्रकृति के इस प्राचीन अद्भुत समावेश को देखने दर्शनार्थी यहाँ दूर दूर से आते रहते हैं। जो सुरम्य गुफाओं में विराजित प्रतिमाओं के दर्शन के साथ साथ यहाँ की प्राकृतिक सुंदर वादियों और झरनों का आनंद लेते हुए भक्ति भाव में रमकर झूम उठते हैं। इस तीर्थ पर संस्थानम अभेदानम की ओर से निर्माण एवं जीर्णोद्धार कार्य जारी है, जिसके अंतर्गत बच्चों की शिक्षा हेतु ज्ञानम दानम गुरुकुल, संत भवन एवं दर्शनार्थियों के ठहरने हेतु निवास और भोजनालय शामिल है। साथ ही यहाँ पर हथकरघा केंद्र, अभेदानम पशु पक्षी चिकित्सालय भी संचालित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, औषधि दानम आयुर्वेद अस्पताल एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र की योजनाएं भी कार्यरत हैं। निर्माण कार्य में मान स्तंभ एवं मूर्ति विराजमान, यात्री निवास निर्माण, एक गज भूमि दान, मुख्य द्वार निर्माण, संत भवन निर्माण, प्रवचन एवं आहार शाला निर्माण, हथकरघा की एक मशीन, गुरुकुल में एक बच्चे का सालाना खर्च, गौशाला में एक गाय का सालाना खर्च, एक दिन की शांति धारा एवं आजीवन सदस्यता आदि के माध्यम से आप भी निर्माण एवं जीर्णोद्धार कार्य में अपना सहयोग कर पुण्य लाभ ले सकते हैं। तीर्थंकर लेणी साहदा गांव 52 गजा से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नदी के बहती हुई नदी के अंदर एक मंदिर है, जहां पर नेमिनाथ भगवान और ऐसे लगभग 60 भगवान जिस मंदिर में विराजमान हैं। हमारे गौरव भैया और उनकी टीम ना इस कार्य को देख रही है कि इसका कैसे उद्धार हो, और वहाँ आसपास उस मंदिर के आसपास और मंदिर की वाली जगह उन्होंने लेना प्रारंभ कर दी है, ले ली है, नाप दी गई है, अब उसका धीरे उद्धार होगा और हम सब जैन लोग मिलकर के उस चीज़ का उद्धार भी करेंगे, जिससे हमारे भगवान है ना बर हमेश कोई भी व्यक्ति जाए तो उन्हें 24 घंटे दर्शन उपलब्ध हों, ऐसी व्यवस्था वहाँ बनाई जा रही है ना, उसमें हम सब सहयोगी बने, मेरा सबके लिए आशीर्वाद। परम पूज्य आचार्य श्री श्रुति सागर जी, परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी, परम पूज्य आचार्य श्री प्रमुख सागर जी, नमन करता पूज्य बाबूजी स्वर्गीय श्री अशोक कुमार जैन टूला वाले आगरा, पुण्यार्चक संस्थानम अभेदानम। ब्रीम श्रीं क्लीं मे मर मम हम सं तं पं मम 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 हम हम सं सं तं तं पं पं जम जम झीं झीं शीं शीं द्रं द्रं द्रीं द्रीं द्रव द्रव नमूर्ते भगवते श्रीमते पवित्र द्रजलन जिनभवि शिंचामि स्वाहा। ओम विश्व विश्वादि वीरंताजल नष्णम भ्याम। ओम विश्व विश्वादि वीरंताजल नष्णम भ्याम। अमर से गगरे भरो ये आज प्रभु नमन करे, नमन करे प्रभु नमन करे, नमन करे प्रभु नमन करे। ओ चांदी के कलशो जल भर लो आज थोड़ा थोड़ा, आज थोड़ा थोड़ा प्रभु का नमन कर लो, आज थोड़ा थोड़ा प्रभु का नमन कर लो। नमः सिद्धिभ्य सिवितरागाय नमः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते श्री पार्षदंकराय द्वादश गण प्रविष्टिताय शुक्ल ध्यानाय पवित्राय सर्वज्ञानाय स्वयंभूमे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक महिव्याप्ताय न संसार चक्र परमर्दनाय अनंत ज्ञानाय अनंत दर्शनाय अनंत वीराय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक वंशकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्माय धनेन्द्र फणामंडल मंडिताय
ऋषि हरिका श्राव श्राविकादि प्रमुख चतुर्पसर्ग विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय अघाति कर्म विनाशनाय अपवादम अस्माकम सृष्टि श्रीमान नेहुल कुमार जैन राहुल जी राजेंद्र जी दर्शना जी प्रेमलता जी नेहा जी रीति जैन वैश्य निवासना सपरिवार श्री सृष्टि श्रीमान सूरजमल जी मनीष कुमार जी अक्षय कुमार जी अनंत अर्चना जी अनिता जी अनिश जी सक्षम जी प्रियल जी मंदसौर निवासना सपरिवार से श्रेष्ठ श्रीमती सरला देवी जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु आगरा निवासना सपरिवार से श्रेष्ठ श्रीमान गौरव जी रजनी जी प्रवीण जी सिद्धार्थ जी रविकांत जी शुभम जी पवन जी एवं सकल दिगंबर जैन समाज से एवं संस्थान अवैधानम संयुक्त सपरिवार से एवं ज्ञान दानम गुरुकुल छात्र छात्रों के सपरिवार से व्याधि धनंतु व्याधि धनंतु व्याधि धनंतु रतिकामम बलिकामम ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम सत्य तेजो बल वीर शांति कुरु कुरु सर्वजीवानंदनम द्विजानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वराजानंदनम सर्वग्रामानंदनम सर्वनगरानंदनम सर्वखेटानंदनम सर्वकर्वटानंदनम सर्वमटवानंदनम सर्वपततानंदनम सर्वद्रोमुख सवाननम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्व एजानमस्यनंदनम सर दुख हन हन द पाँच पाँच कोटकम शीघ्र शीघ्र ऐसुश्रुकुम लकशु वैद्यम वैसंवर्जित अभेक्षय मार्गम स्वस्थ विधेयते शांतिरस्तु शिवमस्तु जयस्तु नित्यमार्गरस्तु अस्माकं तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायस्तु कोलगोत्र दंदानि सदासु चंद्रप्रभु वसुभज मल्लीनाथ वर्धमान पुष्यंतलनाथ शीतलनाथ मुनि सुव्रतनाथ नेमिनाथ नवीनाथ पर्शन भ्यो नम एन मंत्री नवग्रहण शांत गंधोदक धारावर्षण संपूजकान प्रतिपालकान यतीन्द्र सामान्य तपोधनाना देशष्ट राष्ट्रस्य पुरश्च राज्ञा करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोमि शांति भगवान जिनेन्द्र करोमि शांति भगवान जिनेन्द्र ओम ऋषष्टिपति हरे मध्ये छत्रत्रय स्थापयामि जय हो जय हो जय हो ओम ऋषष्टिपति हरे मध्ये चमद्वे स्थापयामि जय हो जय हो जय हो ओम ऋषिभिषिकान्ति विश्वादिवीरान्ते चतुर्विंशतिशङ्करेभ्यो नर्गवत् प्राप्त्यार्घं निरुपामति ओम ऋषितीर्थङ्कलेनेश्वराय गोमेनिदत्तसिद्धसिनेमिनाजनेन्द्राय अनर्घवत् प्राप्त्यार्घं निरुपामति नंदेश्वर अनुपम जिन मंद जिन प्रतिमा है अतिशय सुंदर भक्ति में जो इंद्र बजावे बाजा अभिषेक करे जिन राजा। लेनी तीर्थ आकर हमें बहुत अच्छा लगा, यहाँ की शांति धारा देखकर भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे नेमिनाथ भगवान की बहुत ही प्राचीन 2200 वर्ष पुरानी मूर्ति है जो बहुत अति सुंदर है। आप भी इस जैन लेनी जैन तीर्थ पर जरूर आवें और इसकी जीर्णोद्धार में सहायक बने। अभी तो मेरे चादर जैसी ने आप लेनी तीर्थ जरूर आने वहाँ पर मिलने वहाँ भगवान है बहुत सुंदर। लेनी खूब हमको हमारे रिश्तेदारों से भी मालूम पड़ा, मीडिया से भी मालूम पड़ा और टीवी में भी मालूम पड़ा। ऐसे कर यहाँ पे नेमिनाथ भगवान की मूर्ति 2200 वर्ष पुरानी है और यहाँ पर बहुत ही शांति और बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिली और नेमिनाथ की प्रतिमा देखकर तो इतना अच्छा मन ऐसा गदगद हो गया हमारा देख के। और यहाँ पे मूर्तियाँ देखकर नर्मदा नदी ये नदी जैसा बह रही जैसी नर्मदा नदी बह रही हो ऐसा लग रहा है। और ये मंदिर बहुत पुराना प्राचीन लग रहा है, यहाँ पे 2200 साल पुराना निकला हुआ है, 2200 साल पुराना है यह मंदिर। देख के तो आप भी सब इस तीर्थ पे आइए और आपके दर्शन कीजिए, नेमिनाथ भगवान के दर्शन कीजिए। आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री श्रुति सागर जी, परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी, परम पूज्य आचार्य श्री प्रमुख सागर जी, नमन करता पूज्य बाबूजी स्वर्गीय श्री अशोक कुमार जैन टूला वाले आगरा, पुण्यार्चक संस्थानम अभेदानम।